हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको होम स्टाइल मटन करी। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। तो मैंने ये 1 kg मटन लिया है, देन 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, और ये है 25 से 30 लहसुन की कलियाँ, और 2 मैंने बड़े ऑनियंस चॉप कर लिए स्लाइसेस में, और 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और ये 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च जो है कुटी हुई है, और ये है वॉल गरम मसाले, तो 1 बड़ा पत्ता तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 फूल, 7-8 काली मिर्च, और 1 है दालचीनी, और ये जो मैंने हरा धनिया चॉप करके रख लिया है। तो फटाफट से बनाते हैं, चलिए। तो फटाफट से करते हैं गैस को ऑन। और इसके अंदर डालते हैं ऑयल जो हमने लिया है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होता है, देन हम डालेंगे वॉर्म गर्म मसाले। तेल हो चुका है हमारा गरम, हम डालते हैं ये हमने और गरम मसाले लिए थे वो, और ये हल्के से ब्राउन होंगे, थोड़े से तड़क जाएंगे, तो हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन की कलियाँ और प्याज, और ये अच्छे से तड़क जाएंगे, तो हम डालते हैं इसके अंदर ये प्याज और लहसुन। इनको हमें अच्छे से पूरे पिंकिश होने तक अच्छे से पकाने हैं। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से हमें पकाना है पूरा, तब तक कि पूरी तरह से ये पिंकिश ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, लेकिन बहुत अच्छे से इसको हमें गलाना है। ये बिल्कुल खड़ा मसाले वाला गोश्त है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा। देख सकते हैं लहसुन बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल पिंक हो चुके हैं लहसुन और प्याज, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो फटाफट से इसके अंदर डालते हैं मटन। पानी में गला के रखूंगी, जो हमारे नमक मिर्ची हल्दी धनिया जो थे उनको मैं पानी में गला के रखूंगी 5-10 मिनट, तब तक हम गोश्त को भून लेते हैं लहसुन प्याज के साथ। इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छे से भुन रहा है, हम इसको 5-10 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, देन उसके बाद हम जो हल्दी मिर्च और धनिया है ये सब मैं पानी में गला के रखूँगी, और फिर हम उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये हम गला लेते हैं पानी के अंदर सारे मसाले, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, हल्दी, गरम मसाला, ये सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये सब हम पानी में गला लेंगे 5-10 मिनट। फिर उसके बाद हम जो चिकन हमारा भुन रहा है मटन, उसके अंदर डालेंगे ये वाले मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने सारे डाल दिए हैं, और इसके अंदर हम पानी डाल के इसको ऐड करके चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मसाले गलाने से ये बहुत अच्छा टेस्ट अच्छा छोड़ते हैं ये सब्ज़ी के अंदर, तो इसलिए मैं ये गला कर ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो ये अच्छे से गल भी जाएंगे इसके अंदर। तब तक हम देख लेते हैं हमारा मटन, ये अच्छे से भुन रहा है। जब तक ये भुनता है हम इसको बार बार चलाते रहेंगे, 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे। तेल हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है और मटन पूरी तरह से अच्छे से भुन चुका है। लहसुन प्याज बिल्कुल गल गए हैं, तो हम इसके अंदर अब ऐड करते हैं ये जो हमने मसाले गला के रखे थे वो, और इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही भुन के फिर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और फिर हम इसमें 6 से 7 सीटी लगाएंगे। 6 से 7 विसल आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और सीटी को नहीं निकालेंगे, इसी को ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद हम इसको खोलने के बाद बुनाई करेंगे। अभी से माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल घर की बनी हुई मटन की सब्जी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे मेरी इस टाइम से। नहीं, हमारी अच्छे से हो चुकी है, सारा मसाला मटन के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसके ढक्कन को करेंगे बंद। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि लगे ना, क्योंकि हमें 6 सीटी लगानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, लगभग हाफ ग्लास। फटाफट से इसको करते हैं बंद, क्योंकि मटन भी अपना पानी छोड़ेगा। इसलिए मैं इसमें ये थोड़ा हाफ धनिया मिला देती हूँ ताकि खुशबू अच्छे से आएगी, और इसको कर देती हूँ बंद। और 6 विसल लगाएंगे हम इसकी। तो हम करते हैं इसको ओपन, करते हैं अब। और आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छे से पक चुकी है सब्ज़ी। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये बुनाई करते हैं, मटन अच्छे से गल चुका है और गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है, और हमें यही रखना है इसको ऐसे ही। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा बुनाई भी नहीं करनी है। इसकी बुनाई चल रही है, 10 से 15 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई हमारी अच्छे से हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से इसके अंदर 2 विसल लगाएंगे, देन रेडी मटन करी। थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं इसके लिए और फिर से हम इसको एक बार बंद। और फिर से हम इसको पकाएंगे, 2 सीटी लेंगे फिर बंद कर देंगे, देन रेडी। कर दिया है मैंने बंद और अब हम इसको खोलते हैं। बंद के रेडी है हमारी मटन करी, तो हम इसको करते हैं डिश आउट। मेरी मटन करी की रेसिपी, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इन बहरीन। दुआओं में याद रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी, सो प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।